तो डियर स्टूडेंट, आज हम दो न्यू फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। एक है डेटर टर्नओवर और एक है क्रेडिटर टर्नओवर। डेटर टर्नओवर का मतलब है कि वन ईयर के अंदर हाउ मेनी टाइम्स डेटर्स हमसे गुड्स परचेस करते हैं और उनसे टाइम अमाउंट कलेक्शन होता है। डेटर टर्नओवर, भाई सपोज तुमने मुझसे एक पहले गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे, तुम मेरे कस्टमर हो, मैंने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया कुछ टाइमिंग के लिए, फिर उसका कलेक्शन हुआ, फिर दूसरी बार सेल किया, मतलब ऐसे कितनी बार टर्नओवर होता है, ठीक है। तो डेटर टर्नओवर इक्वल टू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, अब ये क्रेडिट से तो मालूम है, अगर मैं आपको टोटल सेल देता हूं, टोटल सेल में से तुम अगर सेल्स रिटर्न माइनस करते हो तो नेट सेल मिलता है, और नेट सेल में से कैश सेल माइनस कर दो जो बचेगा वो क्रेडिट बचेगा। सेल कौन सी होती है? सेल दो ही होती है ना, कैश और क्रेडिट। तो टोटल में से कैश माइनस करो तो बाकी जो बचेगी वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। अंडरस्टूड? यस। अब बात है ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या है, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। और बात एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल। तुमने फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज किया है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर एंड बिल रिसीवेबल है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय टू। जैसे आप एवरेज स्टॉक निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय टू, ये वही हुआ ना, ओपनिंग के ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग के ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय टू। बोलो, अंडरस्टूड? ये हुआ आपका डेटर टर्नओवर। अब डेटर टर्नओवर की फॉर्मूला में आपको एक्स्ट्रा में पूछ सकते हैं कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड मतलब हम कितने टाइम में, कितने टाइम के बाद हम अपने डेटर से कलेक्शन करते हैं, इंश्योरली डेटर्स को हम कितना टाइम अलाउ करते हैं पेमेंट करने के लिए। तो बेटा डेटर कलेक्शन अगर आपको पूछे इन वीक्स, इन वीक्स तो एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। तो 52 अपॉन आंसर ऑफ डेटर टर्नओवर। इन मंथ तो 12 अपॉन डेटर टर्नओवर, और इन डेज 365 अपॉन डेटर टर्नओवर। सबको मालूम पड़ गया फॉर्मूला याद हो गया सबको? अब ऐसे इसका उल्टा सोचना शुरू कर दो। अगर मैं आपको पूछूं क्रेडिटर टर्नओवर तो बट नेचुरली क्या होगा? क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, जिसके अंदर मैं आपको अगर पूछूं कि व्हाट इज एवरेज ट्रेड पेबल्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एंड बिल्स पेबल अपॉन टू। मालूम पड़ गया? और मैं आपको कलेक्शन पीरियड की जगह अगर पेमेंट पीरियड पूछूं तो वही तीन फॉर्मूलास, वीक का पूछूं तो 52 अपॉन क्रेडिटर, अब तुम समझ गए हो, ऑब्लिक 52 365 या 12, जो पूछे उसके हिसाब से कर लेना। सबको मालूम पड़ गया फॉर्मूलास? इजी है बिल्कुल। तो इसके बेस के ऊपर बेटा आप देखो सम नंबर, पेज नंबर 249 पे सम नंबर 18
18 नंबर सम देखो, इट इज क्लियरली मेंशन दैट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैलकुलेट डेटा टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड. What will be the answer of collection period in terms of week and month? Yes. Assume 360 days of a year. अब ये क्यों बताया, पता है क्योंकि अगर आपको collection period days में ढूंढने के लिए बोले और मैं mention करूं कि 360 days, तो 365 की जगह 360 लेने का. Yes. Otherwise 365. Mention ना करें. अब एक ही खाली फॉर्मूला पूछिए उसने, कौन सी हमसे? डेटा टर्नओवर. तो पहले पहला फॉर्मूला डेटा टर्नओवर की फॉर्मूला क्या है हमारी? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. अब तुम पहले पूरा सम पढ़ लो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. टोटल सेल दिया है, ओपनिंग डेटर्स दिए हैं, ओपनिंग बिल रिसीवेबल दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर दिए हैं, क्रेडिट सेल दिया है, क्लोजिंग डेटर दिए हैं, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल है, क्लोजिंग क्रेडिटर है. अब इनमें से आपको ढूंढना है, तो सबसे पहले आपको चाहिए क्रेडिट सेल. हाउ टू फाइंड क्रेडिट सेल? सो टोटल सेल जो दी है, व्हाट इज द टोटल सेल? 450,000. दिमाग चलना चाहिए. टोटल सेल में से माइनस करो कैश सेल. सॉरी यस, क्रेडिट सेल दिया ही हुआ है ना, कैश सेल नहीं दिया उल्टा. हाँ, मैंने बराबर नहीं पढ़ा. तो क्रेडिट सेल तो अवेलेबल है. यस. ओके, बाकी बात रही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की. तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल अपॉन टू. तो डेटर और बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस प्लस करो, 70,000 प्लस 20,000 90. क्लोजिंग का प्लस करो इस तरह से, डेटर और बिल रिसीवेबल का 50 प्लस 6 56,000 प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो 73,000 एंड पुट डाउन द वैल्यू इन द फॉर्मूला. क्रेडिट सेल का अमाउंट क्या है आपका? 3,65,000 डिवाइड बाय 73,000 5 times. ये भी टर्नओवर है, जैसे स्टॉक टर्नओवर किया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर किया, इस तरह से. ओके, मालूम पड़ गया. अब कलेक्शन पीरियड कौन सा पूछा है उसने? वीक एंड मंथ. पहले वीक, तो वीक तो कितने होते हैं बेटा? 52. वीक तो 52 होते हैं. अपॉन आंसर ऑफ डेटर रेशियो 52 अपॉन 5 10.4 वीक्स. ओके, और क्या पूछा है? इन मंथ तो 12 ही होते हैं. यस. 2.4 तो 12 अपॉन 5 2.4 मंथ. मालूम पड़ गया. yes. अगर डेज पूछे होते तो 360 आता. कितना आता? 72 days. और एक चीज ध्यान रखना, डेज अगर पॉइंट में आवे तो फिर अप्रोक्स कर देने का. सपोज 72.3 आवे तो 73 डेज. पॉइंट के बाद बढ़ी जाएगा क्योंकि नेक्स्ट डे आगे निकल चुका है. बराबर. तो 72.3 आवे तो लिखने का 72.3 इक्वल्स टू 73 अप्रोक्स. अप्रोक्स वर्ड लिखने हैं और ये डेज मंथ वीक ये वर्ड आपको लिखने हैं. अंडरस्टूड? क्लियर? इजी है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, आप खुद करेंगे. क्या ढूंढना है इसमें आपको? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर एंड पेमेंट पीरियड. मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसमें डेटर टर्नओवर भी ढूंढ लेना, वो मिल जाएगा. इंफॉर्मेशन इस तरह की है, देख लो. बोले आप
क्लियरली आपको दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस सबके दिए हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस सबके दिए हुए हैं। यस, तो आपको नेचुरली है ट्रेड पेएबल्स और ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज तो मिल ही जाएगा, कोई डाउट है किसी को? क्रेडिट सेल दिया है, कैश सेल दिया है और टोटल सेल दिया है, पर क्रेडिट सेल तो अवेलेबल है, मतलब बात खत्म। और टोटल परचेस दिया है और कैश परचेस दिया है, तो हाउ टू फाइंड क्रेडिट परचेस? टोटल परचेस माइनस कैश परचेस। एक बार याद रखो, अगर परचेस रिटर्न दिया हो तो माइनस तो करने का ही है भाई, क्योंकि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न माइनस तो करते ही है टोटल में से, मालूम पड़ गया। तो ये है आपका बिल्कुल इजी टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक, बराबर दो फॉर्मूलास। आई होप यू अंडरस्टैंड।